हेलो गाइस, स्वागत है आपका गेमिंग पीसी वाला पे और मैं आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र आपका स्वागत करता है। आपको आज कुछ बेहतरीन गेमिंग प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको फॉलो करना है मेरी आईडी इंस्टा की गेमिंग पीसी बाला को एंड गेमिंग पीसी वाले को। दो आईडी है, दोनों आईडी को अगर फॉलो करेंगे तो पर डे आपको कुछ बेहतरीन आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे जो आपको भी यूज आने वाले हैं। क्योंकि आपको यूज आने हैं इसलिए क्योंकि आपको हर चीज में गेमिंग में एडिटिंग में आपको ग्राफिक्स यूज करना है या फिर नॉर्मल अगर आपको ऑफिशियल वर्क भी करना है तो आपको जरूरत तो पड़ने वाली है भाई। मेरा एड्रेस है 101 विशाल भवन नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली एंड मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7840063007। तो आपको काफी बेहतरीन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और वो प्रोडक्ट अब मैं शुरू करने वाला हूँ। तो पहली स्टार्टिंग होती है हमारी राइजन 3 से लेके राइजन 3200G हमारी स्टार्टिंग होगी और उसके बाद अगर आपका बजट थोड़ा और अच्छा है तो जा सकते हैं राइजन 5 4600G पे, और अगर इसके बाद और ऊपर अगर जाना है तो आप जा सकते हैं राइजन 5600G जो आप ही के बजट में मिलने वाला है, जिसकी अगर पीसी असेंबल कराते हैं तो अप्रोक्स कीमत स्टार्टिंग होगी 25,000 30,000 35,000 40,000 के लगभग। और इसमें अगर आपको मैं बात करूं भैया, सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग 1650 जो 30,000 35,000 के बजट में है और जो ये आप ग्राफिक कार्ड के साथ ले सकते हैं। ग्राफिक कार्ड की क्वालिटी वैरायटी और कंपनीज मेरे पास अलग अलग टाइप की हैं, बहुत वैरायटी पड़ी है, बट मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आप ही के बजट में मिलने वाला है। एंड इसमें अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है तो अगर 1650 के बाद अगर और कुछ लेना चाहते हैं 1650 के बाद बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अगर बात करें 1650 के बाद 2060 1660 सुपर 3050 3060 3070 4070 4070 Ti जो आपको एक से एक हैवी आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे। और बात करें मदरबोर्ड की तो मदरबोर्ड में मैं आपको स्टार्टिंग रेंज शुरू करूंगा तो स्टार्टिंग में मिलेगा A520 जिसमें होंगे दो रैम स्लॉट एंड NVMe का स्लॉट भी होगा। जीगावाइट में जाएंगे, जीगावाइट में B550MDS3H मिलेगा, ये होगा विदाउट वाईफाई एंड 4 रैम स्लॉट के साथ। और अगर आपका बजट और इस ये थोड़ा सा रेट का थोड़ा इनमें अंतर आएगा, B450MDS3H B2 ले सकते हैं, इसमें 4 रैम स्लॉट होंगे। और अगर आप वाईफाई के साथ जाना चाहते हैं तो वाईफाई के साथ में आप ले सकते हैं B450MDS3H वाईफाई, इसमें होंगे 4 रैम स्लॉट एंड वाईफाई होगा एंड ब्लूटूथ होगा, और इसको भी ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे भरे पड़े हैं इसमें आप जो मर्जी ऑप्शन ले लीजिए। उसमें पावर सप्लाई में जाते हैं, पावर सप्लाई मैंने एक नॉर्मल से 700 वाट की पावर सप्लाई लगाई है। इसमें अगर आप चाहें तो मेरे पास 400 वाट से पावर सप्लाई शुरू होती है और उसके बाद मेरे पास 1000 वाट 1200 वाट तक की पावर सप्लाई मिल जाएगी। आपको जैसा बजट है आप उस बजट में ले सकते हैं। और इसके बाद आप लिक्विड सीपी कूलर लगा सकते हैं, मेरे पास लिक्विड कूलर भी काफी पड़े हैं, ये सीपी कूलर है। अगर आपका बजट कम है, मैं आपके बजट के अकॉर्डिंग अभी आज बात कर रहा हूँ भैया, और अगर आप बजट में अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है 30-40 हज़ार रुपए तक है तो आप लिक्विड कूलर की जगह सीपी कूलर लगा लीजिए। लिक्विड कूलर लगाने का मतलब यह है कि भैया उसमें भी फिर 5-7 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा जाते तो आपका बजट ऑब्वियसली धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं भैया आपसे, ये सारे आपके प्रोसेसर हो गए, ग्राफिक कार्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, अब आपके इसमें नीड होती है भैया, उसके बाद जो नीड होती है आप SSD में जा सकते हैं। SSD में आपका 256GB 256GB से स्टार्टिंग होगी, हम 128GB की नहीं लगाते क्योंकि भैया बहुत छोटी हो जाती है। उसके बाद आप जाएंगे 500GB 1TB 2TB तक मेरे पास SSD अवेलेबल है। ब्रांड मैटर नहीं करता, ब्रांड आप जो बोलेंगे वो ब्रांड मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, मेरे पास 2TB तक की मेरे पास सिमट्रॉनिक्स में पड़ी है। और किंगस्टन में अगर जाएं देखो किंगस्टन मिल जाएगा, जीगावाइट चाहिए जीगावाइट मिल जाएगा। आप सैमसंग की बात करें, सैमसंग में आपको सारे मॉडल मिल जाएंगे, जितने भी मॉडल आते हैं आपको लगभग सारे मॉडल मिलने वाले हैं, 1TB 2TB तक सारे मॉडल मिलेंगे। और अगर बात करें XPG की, देखें XPG मिल जाएगी, आपको कुर्सियल चाहिए तो कुर्सियल मिल जाएगी। ब्रांड तो मैटर ही नहीं करता भाई, ब्रांड तो आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। अब ये देख ही सकते हैं, देखो 1TB में 7300 RPM में मेरे पास पड़ी है, 5000 में 500GB में पड़ी है, HP में पड़ी है, WD में जितने भी आपके ऑप्शंस आते हैं सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जितने भी ऑप्शन आते हैं सारे ऑप्शन आप ये देख सकते हैं। देखिए
जितने ऑप्शन आते हैं ये देखो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सारे ऑप्शन भरे पड़े हैं। वन टीबी में 60 है, NVMe M.2 जो चाहिए सब मिलने वाला। अब बात कर अभी देखो SSD भी खत्म हो गई आपकी, और अब उसके बाद आते हैं रैम पे। तो रैम में आपको भैया जो ब्रांड चाहिए जिस ब्रांड, देखो 16 GB DDR4 3200 MHz आपको कोरशियर हो गई, XPG 16 GB हो गई, अब ये DDR5 में है लेंसर में। उसके बाद आप बात करें भैया कोरशियर में वेंजेंस हो गई, जो चाहिए वैसी रैम मिलेगी भैया, जिस तरह की रैम चाहिए आपको जिस तरह की। ये देखो ये XPG में हो गई आपकी, T-Force हो गई, और ये 32 GB 16-16 की दो किट हैं 5200 MHz में। उसके बाद बात करें भैया जी तो आप देख सकते हैं G-Scale RGB DDR5 और ये आपका Intel XMP रेडी है, और इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जितने चाहिए ऑप्शंस भरे पड़े हैं, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ऑप्शंस वो मिल जाएंगे जो आपको मार्केट में क्या कहीं पे भी आराम से नहीं मिलने वाले। ऑप्शंस का नाम बताओ क्या चाहिए। ये देखो T-Force में, ये देखो सारी है, ये रैम मिल जाएंगी आपको। G-Scale में रैम चाहिए G-Scale में रैम ले लो, जैसी रैम चाहिए आपको वैसी रैम मिलने वाली है। यहाँ पे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, ऑप्शंस की कमी ही नहीं है। बात कर लेते हैं भैया आपका कैबिनेट्स को लेके, क्योंकि अब फाइनली मैं कैबिनेट्स में सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि कैबिनेट चूज कैसे करें, कैबिनेट को लेके बहुत ज्यादा माथापच्ची करते हैं, परेशान होते हैं लोग। तो उसमें अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कैबिनेट्स की तो भरमार है, जैसा चाहिए कैबिनेट्स अवेलेबल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि शायद आप कैबिनेट सबसे पहले पसंद करेंगे, क्योंकि कैबिनेट्स मेरे पास बहुत एक से एक हैवी ब्रांड में पड़े हैं, एक से एक प्रीमियम क्वालिटी में आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे, 3 फैन 4 फैन के साथ मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये ब्रोनो है, इसमें 4 फैन लगे हुए हैं, और ये RGB है विद आपको रिमोट के साथ मिल जाएगा। ये जेवरोनिक्स का है, सर्कल का है, ये 4-4 फैन के साथ है सारे। ये सर्कल है, ग्लैक्स में मिल जाएगा, एंटी स्पोर्ट्स मिल जाएगा, जेवरोनिक्स का मिल जाएगा, ये जेवरोनिक्स का टेम्पलर है। आप ये देख सकते हैं काफी बड़े बड़े फैन है, फिंगर मिल जाएंगे, बहुत सारे कैबिनेट है। अब और थोड़ा सा अगर दिखाते हैं, देखो जेवरोनिक्स का भलल्ला पड़ा हुआ है, ये आराम से मिलते नहीं है, बट अपने पास सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। और ये सर्कल का है, और ये भी बड़ा जबरदस्त है, इसका लुक देख सकते हैं, एक बार लुक देखें और शायद आप पसंद करेंगे, बहुत जबरदस्त और बेहतरीन। इससे मेरे को लगता है कि शायद आप सिस्टम की तो बात की बात है, आप सबसे पहले कैबिनेट्स पसंद जरूर करेंगे भैया। तो गाइस ये देखो सारी बातें हो चुकी हैं, सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेसर दिखाया, ग्राफिक कार्ड दिखाया, मदरबोर्ड दिखाया, अब आपके आते हैं कीबोर्ड्स आते हैं। RGB में आपको नॉर्मल या जैसे जैसे आपको कीबोर्ड चाहिए, जिस ब्रांड का चाहिए, आप एक बार मेरे सामने बोलें कि भैया मुझे ये चाहिए, तो वो भी मिलेगा जो जिस तरह का चाहिए। वैसे तो मैंने ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस RGB कीबोर्ड के साथ रखे हैं। मैकेनिकल चाहिए मैकेनिकल मिलेगा, और मैकेनिकल में भी बहुत ब्रांड पड़े हैं, भरे पड़े, जितना मर्जी आप जो मर्जी ब्रांड का नाम लें वो सब कुछ मिलने वाला भाई। और उसके बाद आप मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर ही मॉनिटर भरे पड़े हैं, ये सारे मॉनिटर हैं, ये सारे मॉनिटर हैं, आप जो देख रहे हैं सारे मॉनिटर हैं। इसमें लगभग लगभग जिस ब्रांड का आप सर्च करेंगे वो ब्रांड मिल जाएगा आपको, जिस तरह का चाहिए। तो गाइस अब ये सारी चीजें हुई खत्म डेस्कटॉप की, अब मैं थोड़े से आपको लैपटॉप के बारे में अपने बता देता हूँ। हमारे पास कुछ प्रीमियम लैपटॉप होते हैं, और लैपटॉप एक से एक प्रीमियम क्वालिटी में, जो लैपटॉप आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, जितने चाहे मर्जी आप यूट्यूब वीडियो जो देख के आना, नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको मिलने वाला है एप्पल मैकबुक प्रो 1398 रेटिना डिस्प्ले i7 16 GB 256 के साथ। कंडीशन देख सकते हैं कंडीशन किस तरह की होने वाली है, इस तरह के लैपटॉप मिलेंगे आपको। इससे हैवी जाना हैवी मिलेगा एक से एक। अब बात कर i7 में 16512 के साथ में, आप देख सकते हैं टच बार के साथ है, आप देख सकते हैं जबरदस्त बेहतरीन एक से एक जबरदस्त लैपटॉप मिलने वाला अपने को। और अगर और अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो i9 2019 16 TB SSD के साथ में लैपटॉप है, ये लैपटॉप जबरदस्त, ये देखो ये अभी इंपोर्ट हो गया है लैपटॉप, और जबरदस्त लैपटॉप है। मुझे लग रहा है शायद लैपटॉप अगर आपको चाहिए तो इससे बढ़िया नहीं मिलने वाला, नया लैपटॉप भी नहीं मिलेगा आपको। और मेरे पास i7 11 जनरेशन तक के लैपटॉप है, i7 में 11 जनरेशन है 16512 के साथ में, जबरदस्त लैपटॉप है, एक से एक ब्रांड न्यू कंडीशन में लैपटॉप है। इसमें कोई भी एक हल्का सा स्क्रैच छोड़ो, हल्का सा कहीं पे भी दाग भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर सस्ते लैपटॉप जानना चाहते हो तो सस्ते में भी बहुत सारे लैपटॉप मिलेंगे। अभी ये देख सकते हैं HP में
जबरदस्त 840G5 कंडीशन देख सकते हैं। i7 में है, 16GB है, 512GB के साथ में है। और अगर आपको X360 चाहिए तो 360 में भी मेरे पास एक से एक हैवी लैपटॉप मिल जाएंगे, जबरदस्त जबरदस्त लैपटॉप। आप कंडीशन देख सकते हैं, जबरदस्त लैपटॉप है। i7 है, 8th generation है, 16512 के साथ। ये लैपटॉप नहीं मिलने वाले, कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, आराम से नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, बट अपने पास जो रेट मिलने वाले हैं वो कहीं नहीं मिलने वाले हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी। एक से एक हैवी हैवी लैपटॉप है। अगर आपको और सस्ते लैपटॉप चाहिए तो सस्ते भी, सारे ब्रांड पड़े हैं अपने पास, ये देख सकते हैं। बहुत सस्ता लैपटॉप है, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी बहुत दूर आएगी लैपटॉप। बहुत बहुत सस्ते सस्ते लैपटॉप मंगाए हुए हैं मैंने, और हैवी से हैवी लैपटॉप भी मंगाए हैं। ये 360 में है लैपटॉप, लैपटॉप देख सकते हैं किस तरह का लैपटॉप है, 360 में है। और ये लैपटॉप की कंडीशन है, कंडीशन देख लीजिए, जबरदस्त HP का लैपटॉप है, Lenovo का लैपटॉप है और Dell के लैपटॉप है। तो गाइस अब ये बहुत लंबी वीडियो हो रही है, इस वीडियो को एंड करेंगे। और एंड करने के साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आगे और कंटिन्यू इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज मेरी आईडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मेरी आईडी होगी गेमिंग पीसी वाला, एंड दूसरी आईडी का नाम है गेमिंग पीसी वाले। दोनों आईडी को फॉलो करें और आप कुछ बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शंस आप मेरे को कमेंट में भी लिख के भेजें, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आप कमेंट करेंगे पक्का 110% मैं उसका नाम लेके आपको अच्छी अच्छी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो डालेंगे, उसी के ऊपर डालेंगे जो आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे। एंड उसके बाद अब हमारा तहे दिल से शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।